ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, 10 जनवरी के दिन मनाई जाएगी संकट चतुर्दशी। जानते हैं संकट चतुर्थी का आखिर क्या है पूजा का मुहूर्त, भद्रा का साया क्या रहेगा और किस तरह से आप अपने घर परिवार में संतान को सुरक्षित रखने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। इस बार संकट चौथ के ऊपर भद्रा का जो समय है वो निर्धारित किया जा रहा है। और दोस्तों, भगवान गणेश जी की महान कृपा से संकट चतुर्थी के बाद 5 राशियां ऐसी होगी ना जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने जा रही है। स्वयं गणपति बप्पा मोरिया भगवान गणेश जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। तो आखिर जानते हैं संकट चतुर्दशी तिल कुटा या संकट चौथ व्रत कब है, क्या है इसकी मान्यता, और दोस्तों संकट चौथ के बाद आखिर कौन कौन सी जो राशि है वो बिल्कुल भाग्यशाली रहने जा रही है। मित्रों, नए साल 2023 का सबसे पहला गणेश चतुर्थी व्रत जो है ना वो इस बार 10 जनवरी यानी कि माघ महीने की चतुर्थी को मनाया जाएगा। इस दिन सभी माताएं अपने संतानों की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है और यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। संकट चतुर्थी के दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकट चतुर्थी या तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन जो भी माताएं हैं यानी कि जिनके भी बच्चे बच्ची है, संतान है ना, वो अपने संतान की सुरक्षा के लिए लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती है और शाम को चंद्रोदय के दर्शन करने के पश्चात पूजा में दुर्वा, शकरकंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह संकट माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद के रूप में एक दूसरे को बांटा जाता है और ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है और तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। पूजन करके सभी में प्रसाद वितरण किया जाता है और पूजन के बाद माताएं संकट चौथ कर जो व्रत है ना वो कथा भी सुनती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर संकट चतुर्दशी व्रत का महत्व क्या है, ये व्रत क्यों किया जाता है, इसकी मान्यता क्या है। उसके बाद जानेंगे मित्रों कि संकट चतुर्दशी के बाद गणपति बप्पा मोरिया भगवान गजानंद गणेश जी की कृपा से 5 राशियां नए साल 2023 में विशेष रूप से भाग्यशाली योग बना रही है। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं ना कि यही गो माताएं सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार ये गो माताएं खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, कभी किसी दुकान के बाहर जाती है, कभी किसी फल फ्रूट वाले ठेले के बाहर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर जाती है। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, नहीं तो हमेशा इनको मारकर दुत्कार कर भगा दिया जाता है। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। जब पेट में भूख की आग बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, तो यही गो माता अपने पेट की भूख मिटाने के लिए सड़क पर जो भी इनको नजर आता है, मिलता है, ये उसे खा लेती है। जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते चप्पल, पॉलीथीन, कपड़े, पत्तल धोने, डिस्पोजल वगैरह वगैरह, और ये धीरे धीरे इनके पेट में जमा होता है। और कुछ ही दिन बाद जब पेट खराब हो जाता है, आंतें बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है, तो बड़ी ही बेरहमी के साथ यह गो माता तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब ये दृश्य मैं देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गो माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, हरा चारा, पौष्टिक आहार मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इसके ऊपर गो माता के लिए आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी आपके लिए बनता है गो माता के लिए वो सहयोग जरूर कीजिएगा। 11, 21, 51 रुपए का दान गो माता के नाम। और मित्रों, भलाई के काम में अगर 1 रुपए भी खर्च किया जाता है ना, तो कई हजार गुना वापस आपको इसी जन्म में लौट कर मिलता है, और ये कटु सत्य भी है। चलिए बात करते हैं संकट चौथ यानी कि संकट चतुर्दशी व्रत का महत्व क्या है। मित्रों, संकट चौथ व्रत करने से अपनी संतान की सुरक्षा होती है। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से सभी संकट दूर होते हैं, कार्यों में होने वाले विघ्न और बाधा दूर होती है। गणपति बप्पा के आशीष से मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में शुभता बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं मित्रों संकट चतुर्दशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की संकट चौथ का जो व्रत है ना वो 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। संकट चौथ के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 10 जनवरी को दोपहर में 12:09 पर होगी और इसका समापन 11 जनवरी 2023 को दोपहर 2:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। इस दिन चंद्रोदय का जो समय रहेगा ना वो शाम को 8:41 पर होगा। चलिए बात करते हैं संकट चौथ की पूजन विधि के बारे में कि आखिर संकट चौथ की पूजा किस तरह से करनी चाहिए।
तो संकट चतुर्दशी के दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं। फिर भगवान गजानंद को दुर्वा जल चावल जनेऊ अर्पित करें और फिर गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए और इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। साथ ही संकट चतुर्दशी के दिन संकट चौथ की कथा का भी जाप करना चाहिए। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए और शाम के समय भी इसी तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय लोटे में तिल डालना जरूरी है। इस दिन गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए और शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। संकट चौथ के दिन ऐसे क्या क्या खास उपाय है जिनको करने से आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो जानते हैं मित्रों उपायों के बारे में कि आखिर 10 जनवरी के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं मित्रों जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिले होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं इसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप भविष्य की कुंडली बनाकर समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके घर पर हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, आप अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, अगर कुछ भी समस्या है तो आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप किसी से प्रेम करते हो और उसके साथ शादी करना चाहते हैं लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर शादी होगी या नहीं और शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, तो ये कंप्लीट जानकारी और समाधान हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात करके अपनी भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों कि आखिर संकट चौथ के दिन क्या क्या खास उपाय किए जाते हैं। सबसे पहला उपाय होता है आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। जी हाँ मित्रों, संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ उन्हें घी और गुड़ का भोग लगाया जाता है और पारण के बाद इसे प्रसाद के रूप में खाना घर के सभी सदस्यों में बांटना होता है, जिससे आपके घर में जो भी आर्थिक तंगी चल रही है ना वो धीरे धीरे दूर होती है। चलिए अगला जो उपाय होता है मेहनत या सफलता का फल। मित्रों अगर आप काम में पूरी तरह से मेहनत करते हैं और उसका फल आपको नहीं मिलता है तो आपको श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करना है, ओम गं गणपतये नमः का, और इस मंत्र का आप संकट चतुर्दशी के दिन 11 बार जाप कर लें। उनके हर मंत्र के साथ पुष्प भी अर्पित करना है। इसके बाद तिल और गुड़ के लड्डुओं का भगवान गजानन जी को भोग लगाएं। फिर देखिए मित्रों अपने जीवन में कितना बड़ा चमत्कार का आप अनुभव करते हैं। उसके अलावा अगला उपाय आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी बात से परेशान है, मित्रों अगर आप किसी भी बात या किसी भी चर्चा से परेशान है तो आपको एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्थ्य बनाना है और उसके बाद उस पत्ते को भगवान गणेश जी को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके जो सभी कष्ट है वो दूर हो जाए। तो अगर आप सफलतापूर्वक ये उपाय कर लेते हैं ना मित्रों, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा सुधार होता है, कितना आपको कल्याणकारी समय देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं मित्रों के संकट चतुर्दशी के बाद आखिर ऐसी कौन कौन सी राशियां है जो भाग्यशाली होने जा रही है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों भगवान सिंह राशि की गोचर कुंडली में शनि देव साल की शुरुआत में आपके छठे भाव में होंगे लेकिन 17 जनवरी 2023 को वो आपके सातवें भाव में चले जाएंगे और उसके बाद ये जो संकट चतुर्दशी का त्योहार है ना 10 जनवरी के बाद का, उसके बाद से ही आपको शनिदेव की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा ताकत हासिल करेगी। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय है ना वो सफल रहेगा। भगवान सूर्य देव की कृपा से नए साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी और ये आपके लिए शानदार भाग्य लेकर आएगा। और साथ ही दोस्तों भगवान शनिदेव के गोचर से आपको व्यावसायिक रूप से लाभ की बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति के नवम भाव में गोचर करने से आपको आर्थिक सुधार देखने को मिलेंगे।
चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो होगी तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों तुला राशि के तहत जन्म लेने वालों का ये संकट चतुर्दशी के बाद का जो 2023 का समय रहेगा ना वो बहुत ही सफल वर्ष होगा। जनवरी में जब शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे ना तो आपके सप्तम और एकादश भाव पर दृष्टि डालेगा और ये आपके धन के लिए अत्यधिक लाभकारी भी होगा। इस साल भगवान शनिदेव आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भगवान गजानन जी गणेश जी महाराज जो है ना वो आपके उत्तरार्ध होने के कारण आपको पूरे साल भर लाभप्रद माहौल के अनुभव कराते रहेंगे। चलिए अंतिम जो भाग्यशाली राशि होगी वो होगी मित्रों कुंभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु और गे से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के जातकों को संकट चतुर्दशी के बाद यानी कि 10 जनवरी के बाद जो है ना वो वित्तीय उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। इस दौरान आपके खर्च ज्यादा होंगे लेकिन भगवान गणेश जी की कृपा से विशेष उनके आशीर्वाद से आप इस नए साल में दोस्तों बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करोगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं ना तो उसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मुनाफा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पूरे साल 2023 का जो ये समय रहेगा ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री राधे मित्रों।